हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम की एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, किसी भी स्टेट की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो। जीके जीएस की क्लास 10:30 बजे चलती है, हिंदी की 3 बजे चलती है, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की जो क्लासेस चलती हैं 6:30 बजे चलती हैं। तो ये क्लासेस का टाइमिंग नोट कर लीजिए। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप जानकारी ले सकते हो कमेंट बॉक्स में। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। चलिए, ये जो एयरपोर्ट है दाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट, ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। थाईलैंड में या चीन में या तिब्बत में या फिलीपींस में, बताइए सब लोग ये एयरपोर्ट कहाँ पे है, दाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। और तैयारी में लगे रहो आप लोग। 9 जून को यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होगा, बिहार वाला तो थोड़ा सा लेट होगा, 25 जून को होगा। तो दाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट जो स्थित है ये चीन में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, 70, 75, 76, 72, सभी को पता है 75, ठीक है ना। सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में, लखीमपुर खीरी है, ठीक है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, प्रयागराज है, ये आपको पता होना चाहिए। आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। यूपी जीके के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। लास्ट में यूपी जीके की मैराथन लूंगा, उसमें ही आपका जो है सारा का सारा कवर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण दिवस से 100% आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को, 30 जनवरी को, 9 जनवरी को या 15 जनवरी को, बताइए शहीद दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे करंट का देखिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि ये तो पूछा नहीं जाएगा, इसी से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि विश्व कैरम चैंपियनशिप वर्ष 2012 जो है में किसने जीती, तो ये जो जीता गया था रश्मि कुमारी के द्वारा जीता गया था, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी कब, बताइए सब लोग, रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को, 1 जुलाई 1935 को, 1 अप्रैल 1934 को या 1 जुलाई 1936 को, रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो मुंबई में। इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, आरबीआई के सीडी देशमुख थे, ठीक है ना। और प्रेजेंट टाइम पे कौन है आरबीआई के गवर्नर, शक्तिकांत दास। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1765, 1764, 1763 या 1768। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था, छठवां का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका संबंध किस खेल से है, किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, किस ट्रॉफी, किस कप का संबंध किस खेल से है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गगन नारंग कौन से खेल से संबंधित हैं, टेनिस, गोल्फ, बैडमिंटन या निशानेबाजी, बताएंगे सब लोग गगन नारंग कौन से खेल से संबंधित हैं। तो गगन नारंग कौन से खेल से संबंधित है, निशानेबाजी से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन मतलब कैसे, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, किनका किनका आप याद करोगे। अब जैसे वर्तमान में जो भी आपके खेल हो रहे हों आयोजित, जैसे इस टाइम आईपीएल है, तो आईपीएल के जितने भी जैसे आपके क्रिकेटर हैं तो उनका नाम आपको पता ही होना चाहिए, उनका संबंध तो क्रिकेट से ही होगा। तो ये प्रेजेंट टाइम पर जो मतलब होता रहता है जो भी खेल वगैरह, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वहीं से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे निशानेबाजी से संबंध हो जाएगा इनका। जैसे यहाँ पे देखिए सुब्रतो कप, यहाँ पे कप होना चाहिए, सुब्रतो कप कौन से खेल से संबंधित है, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस, बताइए सब लोग सुब्रतो कप कौन से खेल से संबंधित है। 8 का जवाब दीजिए सब लोग। तो सुब्रतो कप का संबंध है
फुटबॉल से, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि उबेर कप का संबंध किससे है, उबेर कप का संबंध, ठीक है, चलिए बताइएगा सब लोग। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, बताएंगे सब लोग, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ए व बी दोनों, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर श्वेत क्रांति के जनक पूछे तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे, हरित क्रांति के पूछे जनक कौन है भारत में तो वो है एम एस स्वामीनाथन, ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड में नहीं है, बताइए उस नदी का नाम जिसका उद्गम स्थान उत्तराखंड में नहीं है, बालगंगा, अलकनंदा, भागीरथी या गोमती, तो गोमती नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड में नहीं है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा होनी चाहिए कितनी है? बताइए 30, 35, 25 या 40, 11 का जवाब दीजिए सब लोग। प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का, 5 वर्ष का, 7 वर्ष का, 6 वर्ष का या 4 वर्ष का, तो लोकसभा का पूछे तो 5 वर्ष, राज्यसभा का जो है कार्यकाल पूछे सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है तो 6 साल का होता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, बताइए विश्व का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार का मरुस्थल, उपयुक्त में से कोई नहीं। 13 का राइट आंसर क्या होगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो सहारा मरुस्थल है, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बताइए सब लोग, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर, 10 जनवरी, 10 जून या 10 नवंबर, बताइए सब लोग। दो महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिले हैं और 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर हाल में देखने को मिलेंगे, तो ये चीज़ें जैसे मिसलेनियस में आपका जाता है, महत्वपूर्ण दिवस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया, मुद्रा हो गया, ठीक है ना, इनसे मतलब हर वर्ष क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, तो जीके जीएस में आप विविध वाला पोर्शन अच्छे से अपना कंप्लीट कर लीजिए, विविध में जितने भी चैप्टर आते हैं, आप स्टेटिक जीके भी बोल सकते हैं, तो स्टेटिक जीके आप अच्छे से अपने तैयार कर सकते हैं, इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, बताइए सब लोग, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध, तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीला ग्रह के नाम से शुक्र जाना जाता है, ठीक है। चलिए भोर का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब से हुआ, सभी लोग आंसर करेंगे, पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब से हुआ था, 1951, 1953, 1952 या 1950, सभी को गुड मॉर्निंग। तो पंचवर्षीय योजना का जो प्रारंभ हुआ था कब से हुआ था, इसका जो प्रारंभ हुआ था डियर 1951 से हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना पूछा जाता है एग्जाम में किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैरोडोमल मॉडल पर आधारित थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, पीसी माहौल लॉबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है ना। चलिए पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश, बताइए सब लोग, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है, 17 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। तो पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का चर्चित पर्व है, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेबी है तो सेबी का फुल फॉर्म बताइए आप लोग, सेबी का फुल फॉर्म क्या है बताइए, चलिए सभी लोग जवाब देंगे, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एस से हो जाएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ पे सेबी का फुल फॉर्म यह है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ व केदारनाथ में क्रमशः किस देवता की पूजा की जाती है, विष्णु व शिव, शिव व विष्णु, कृष्ण व शिव या कृष्ण व विष्णु, 19 का राइट आंसर क्या होगा जवाब दीजिए। बद्रीनाथ व केदारनाथ में क्रमशः किस देवता की पूजा की जाती है, विष्णु व शिव की जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंच केदार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, बिल केदार, रुद्रनाथ, तुंगनाथ या केदारनाथ, बताइए सब लोग, पंच केदार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, बिल केदार नहीं सम्मिलित है, ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी सभी को पता होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस, जिस क्रॉच के नाम से जानते हैं।
अगला प्रश्न है, विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पिस्टल निशानेबाज हैं कौन? अंजलि भागवत, राही शक्तोबत, साइना नेहवाल या सानिया मिर्जा। 22 को जवाब दीजिए सब लोग। विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पिस्टल निशानेबाज हैं कौन? वो हैं राही शक्तोबत। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, कृषि से सकल घरेलू उत्पाद में अंशदान के संबंध में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प बताइए। ये वाला आपका सही है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, असंगत को चुनिए इसमें आप लोग। यहाँ पे कुछ नाम है और देश के नाम है, तो किन का संबंध किस देश से नहीं है आपको बताना है। जैसे यहाँ पे रिंकी पेटिंग पोटिंग ये ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध है, केविन पीटरसन इंग्लैंड, लसित मलंगा क्रिकेटर हैं श्रीलंका, हासिम उल्लाह बांग्लादेश से नहीं बल्कि ये साउथ अफ्रीका से हैं, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका नहीं सही था, असंगत था। संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बताएंगे सब लोग। संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश या पंजाब। संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला राज्य है उत्तराखंड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के वो कौन हैं? तो इसमें से कोई नहीं है, तो वो हैं डीवाई चंद्रचूड़। ऑप्शन कोई भी नहीं होगा इसमें से, ठीक है, अलग से लिख लीजिए। भारत का संविधान कब लागू हुआ था बताइए सब लोग। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1950, 15 अगस्त 1947, 26 अगस्त 1947। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद या मुंबई में? औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर में हुई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? इस ताल लगा के नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सब लोग, स्वर्ण मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु रामदास या गुरु तेग बहादुर। चलिए, स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो करवाया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ बताइए सब लोग, इसमें से किसको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है? मैथिली शरण गुप्त को नहीं प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, लौह स्त्री के नाम से जाने जाने वाली महिला है कौन? लौह स्त्री के नाम से जाने जाने वाली महिला कौन है? जैसे पुरुष में पटेल जी हैं, तो महिला में कौन है? तो वो है मार्गरेट थैचर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथक किस राज्य का लोकनृत्य है? कथक बताइए सब लोग, कथक किस राज्य का लोकनृत्य है? तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश या असम। तो कथक किस राज्य का लोकनृत्य है? उत्तर प्रदेश का ही है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लंदन ओलंपिक में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने एक भी पदक नहीं जीता था? अंजलि भागवत नहीं जीती थी एक भी पदक इसमें। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है? CSO का जो कार्य होता है वो क्या होता है बताइए सब लोग। 34 को जवाब दीजिए सब लोग। CSO का प्रमुख कार्य क्या है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO का जो प्रमुख कार्य है राष्ट्रीय आय अनुमान एकत्र करना, यही होता है CSO का प्रमुख कार्य। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, ब्रुसेल्स, पेरिस या बॉन। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक ऋण के लिए भारत में शीर्ष बैंक कौन सा है? औद्योगिक ऋण के लिए तो वो बैंक है IDBI बैंक। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है बताएंगे सब लोग? सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या दिल्ली में। सरदार पटेल स्टेडियम स्थित है चेन्नई में। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की थी? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति दिवस या अंतर्राष्ट्रीय टमाटर दिवस? ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हो जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गगनम नत्र शैली कौन से देश की है? गगनन नत्र शैली कौन से देश की है? दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, अमेरिका? गगनम नत्र शैली कौन से देश की है? दक्षिण कोरिया की है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? राष्ट्रमंडल खेल पहली बार जो है कब आयोजित किए गए थे बताइए सब लोग, 1948, 1938, 1930 या 1934? 1930 में पहली बार आयोजित किए गए थे राष्ट्रमंडल खेल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सत्यमेव जयते जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? ये तो रट गया होगा क्वेश्चन, आपको कई बार अपनी क्लास में करवा चुका हूँ। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, अर्थशास्त्र से, रामायण से, महाभारत से? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सिखों के अंतिम गुरु थे कौन? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे बताइए सब लोग, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से ये तो आपका जो है बी हो जाएगा, ये आपका जो है ए हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका रक्त का थक्का ना बनना विटामिन के हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यू की भावरी किस खेल से संबंधित है? यू की भावरी 44 को जवाब दीजिए, बैडमिंटन, टेनिस, गोल्फ या निशानेबाजी? यू की भावरी किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है टेनिस से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पे बैडमिंटन किस देश का जो है राष्ट्रीय खेल है? बैडमिंटन जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? मलेशिया, भारत, चीन या रूस का? तो बैडमिंटन देखिए मलेशिया देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है बताएंगे सब लोग, विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चेन्नई, दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता? तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जन लोकपाल बिल किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार, चोरी, छदम रूप धारण करना, चुनाव? 47 का जवाब दीजिए, जन लोकपाल बिल किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार से है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यमुना नदी का उद्गम स्थान है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूंछ, गंगोत्री, गोमुख या उत्तरकाशी? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए भेल का फुल फॉर्म बताना है आपको, भेल का इसका फुल फॉर्म होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? असंगत जैसे चीन की राजधानी बीजिंग है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, ब्राजील की ब्राजीलिया, स्पेन की वियना नहीं होती है, मैड्रिड होती है। क्या होती है? मैड्रिड। तो यही आपका जो है असंगत था, ठीक है ना? ऑप्शन बी वाला। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है जीके जैसी क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विद स्टाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा की अपडेट हैं, जो भी क्लासेस हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार सभी लोग प्ले लिस्ट जरूर से जरूर चेक कर लेंगे।